देवास शहर के बैंक नोट प्रेस थाना क्षेत्र के ग्राम सिया में एक महिला का अपनी 3 मासूम बच्चियों के साथ लापता होने का मामला सामने आया है। बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस के मुताबिक सिया निवासी राजेंद्र सिंह ठाकुर ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 जून को उसकी 33 वर्षीय पत्नी गाविंद कुंवर 3 बेटियां उर्वशी 10 वर्ष, हुक्कू 9 वर्ष और साक्षी 1 वर्ष को रतलाम निवासी रिश्तेदार कृष्णपाल सिंह मायके ले जाने को कहकर बस में बैठाकर अपने साथ ले गया था, लेकिन पत्नी बच्चे और कृष्णपाल सिंह मेरे मायके नहीं पहुंचे और तभी से लापता है। इसके बाद बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस ने पहले गुमशुदगी कायम की, बाद में कृष्णपाल सिंह के खिलाफ महिला और 3 बच्चियों के अपहरण का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस टीम रतलाम मंदसौर जिले के अलावा राजस्थान के इलाकों में भी सभी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि हाल ही में जिले के नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों के लापता होने के बाद उनकी जघन हत्या कर देने का मामला सामने आया था, जिसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। ऐसे में जिले के ग्राम सिया से लापता हुई महिला और उसकी 3 बच्ची के साथ कोई गलत काम ना हो या कोई अनहोनी ना घट जाए, इसके लिए पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी हुई है। मामले में अब पुलिस ने महिला के पति राजेंद्र की शिकायत पर आरोपी रिश्तेदार कृष्णपाल सिंह के खिलाफ अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया है। देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, एक रिपोर्ट आई है, उसमें एक लगभग 35 वर्षीय महिला अपने बच्चों के साथ अपने मायके जाने का बोलकर अपने कज़िन के साथ बस में बैठाई थी उनके पति ने। वो मायके नहीं पहुंची है तो उसको उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है, उस पर जाँच कर रहे हैं और जांच में अभी पता लग जाएगा कि कहां गई हैं। सर, इनकी तलाश के लिए कुछ पुलिस पार्टियां भी रवाना की गई थी क्या कहीं इनकी तलाश? हाँ, कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसमें तत्काल कार्रवाई करके उसमें पुलिस पार्टियां भी रवाना करते हैं ताकि पता चल जाए कि वो कहां गुमशुदा है, कहां लेकर चले गए हैं कोई इसको। फिलहाल कोई लोकेशन सर? हम इसमें जाँच करवा रहे हैं।